चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कक्षा 9वीं तक की जो भी आपके लिए सिविल सर्विस की या फिर स्टेट पीसीएस के लिए बुक्स जरूरी हैं एनसीईआरटी की, वो सभी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। कक्षा 9वीं की लास्ट बुक है आपकी विज्ञान। इसके बाद हम लोग कक्षा 10वीं में प्रवेश करेंगे। वो कक्षा 10वीं से हम लोग 12वीं तक की भी देखते रहेंगे। तो इसमें आज बात करेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप अगर सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय रहते हुए एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसका आपके पास कोई दूसरा विकल्प हो सकता है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो ये आपके लिए जरूरी है। कक्षा 9 की अध्याय 8-9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल की को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता आपको होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। किसकी? पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किसके ओर? सूर्य के। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम लोग गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर भी विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। ध्रुवों में वस्तु के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार करेंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित जो भी नियम है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। इसमें गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तब सेब उन पर गिरा। क्या गिरा? सेब। सेब उन पर गिरने की प्रक्रिया से न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि गति यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षण नहीं कर सकती है? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरलरेखीय पथ पर गति नहीं करता वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता, अतः अवस्थ ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करते हैं। एक बात आप लोग याद रखिए। क्या याद रखिए? कि जो भी ये बुक्स लिखी गई हैं बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई हैं, और इनमें जो भी आपके क्रियाकलाप दिए गए होते हैं इन्हें आपको ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इनमें बस पढ़िए और निकल जाइएगा। आराम से एक दो बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगी। आप किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बैठकर आराम से पढ़ते हैं तो सभी बुक्स आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। क्रियाकलाप 10.1 यानी कि 10.1, धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि चित्र 10.1 में दिखाया जा रहा है। ये आपने बचपन में इस तरह के खेल भी बहुत खेले होंगे। पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति इस तरह से। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या फिर त्वरण सम्मिलित होता है। जिस बल के कारण वह त्वरण होता है उसे हम वस्तु का को वृत्ताकार पथ में गतिशील लगता है। जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में क्या करता है? गतिशील लगता है। वह है बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है।
यह सरल रेखा वित्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होती है, वित्त पर स्पर्श रेखा एबीसी, ये देख रहे हैं। कोई सरल रेखा जो वित्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वित्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा एबीसी बिंदु वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा कर रही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरलरेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? ऐसा यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। क्या करता है? सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्पत्ति के समानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है। क्या है? जो पृथ्वी द्वारा अपनी तरफ खींचने का बल है वो कम है, द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तरह का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है और सेब का द्रव्यमान क्या था? यहाँ नगण्य। इसी तरह आपका चंद्रमा का है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच एक यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, इसीलिए वो अपने अपनी यथास्थिति पर बने हुए हैं। आप सोचिए एक दूसरे की तरफ अगर जाना ही कुछ झुका हो जाता तो एक दूसरे से टकरा जाते। क्या होते? एक दूसरे से टकरा जाते। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखाओं रेखा की दिशा में लगता है। यहां देख रहे होंगे आप लोग एफ बराबर जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित करते हैं। यहां देख लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम लोग। यहाँ आपके आइजैक न्यूटन साहब के बारे में दिया गया है। आज आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रेंथम के निकट बोल्स थ्रोपे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्रयास सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। क्या थे? कुशल नहीं थे। 1861 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। उन्हें सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को एक वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटी। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। विशिष्ट बात यह है कि उन्होंने उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे उनसे उसके महत्व को समझने में असफल रहे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का भी प्रतिपादन किया, तीनों का। उन्होंने प्रकाश एवं तथा तरंगों के सिद्धांत पर भी कार्य किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना भी की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की थी जिसे हम लोग कलन कहते हैं, जिसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया था कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित है। न्यूटन ने अपने गति के तीन नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण में के सार्वत्रिक नियम से बहुत किए विज्ञान के ढांचे को बदल दिया है। 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिलित किया है।
यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका। यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था, इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई है। इससे यह सिद्धांत सरल व परिष्कृत हो गए हैं कि विशेषताएं आज भी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित है। आइजेक न्यूटन का जीवन काल चला है 1642 से 1727 तक, इनकी जीवन काल रहा है। न्यूटन ने व्युत्पन्न वर्ग के नियम का अनुमान कैसे लगाया? ग्रहों के गति की अध्ययन में सदियों से ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16 शताब्दी तक अनेक खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए। इसे केपलर का नियम कहा जाता है। ये नियम निकाल रहे हैं कैसे? प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया। इस चित्र में सूर्य की स्थिति ओ दर्शाई गई है। कहां? ए। ठीक है। दूसरा नियम है, इसमें सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB तथा क्षेत्रफल OCD बराबर होंगे। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य परिता परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, या अथवा r t स्क्वायर स्थिरांक बराबर स्थिरांक। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन पर लगता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल की परिकलन करने में किया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है। मान लीजिए कक्षीय वेग v है और ग्रहों की कक्षा की त्रिज्या r है, तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल F समानुपाती v² r है, pr, ठीक है, अपॉन r। यदि परिक्रमण काल t है तो अब v बराबर 2πr अपॉन t, अर्थात v² बराबर समानुपाती r² अपॉन t² इस प्रकार इस संबंध को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, v² समानुपाती 1/r * r³ / t² क्योंकि r³ / t² केपलर के तीसरे नियम का एक स्थिरांक है। अतः v² समानुपाती 1/r, इसे f समानुपाती v² r के साथ संयोजित करने में हमें प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए m तथा m यानी कि कैपिटल m और स्मॉल m के दो पिंड a तथा b एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। चित्र 10.2 की तरह मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्थक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती F समानुपाती M into M तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 10.1 और 10.2 से हमें प्राप्त होगा F समानुपाती m into m upon d square, F बराबर g m into m upon d, यहाँ g आपका अनुपातिकता स्थिरांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। वज्र गुणन करने पर समीकरण 10.4 से प्राप्त होता है F into d² बराबर g m into m, g बराबर fd² upon m into m। समीकरण 10.5 में बल दूरी तथा द्रव्यमान के मान मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें g के SI मात्रक प्राप्त होंगे जो n m² के किलोमीटर प्रति किलोमीटर होगा स्क्वायर में, ठीक है। हेनरी केवेंडिश, इनका जीवन काल रहा है 1731 से 1810 तक, ने एक स्वग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। जी का वर्तमान मान है आपका 6.673 × 10⁻⁻⁶
ग्यारह एन न्यूटन हो गया, एम स्क्वायर प्रति किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल को के मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। यदि नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे वस्तुएं बड़ी हों या फिर छोटी, चाहे ये खगोलीय हों या फिर पार्थिव। व्युत्क्रम वर्ग एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ डी एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कथन का अर्थ है कि यदि डी को 6 गुणा कर दिया जाए तो एफ का मान 36 भाग रह जाएगा। उदाहरण के लिए आप 10 इसे देख सकते हैं। उदाहरण, पृथ्वी का द्रव्यमान 6.6 × 10^24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10^22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10^5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। यहाँ जी का मान दिया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान ए हो गया, चंद्रमा का द्रव्यमान ए हो गया, पृथ्वी द्वार तथा चंद्रमा के बीच की दूरी ए हो गई आपकी। इस तरह से आप किलोमीटर में मीटर में से बदल दिया है किलोमीटर को, 10^8 मीटर हो गया। जी का मान 6.7 × 10^-11 एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2 में। समीकरण 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का एक सूत्र हो गया, इसमें आप पुट करेंगे इस तरह से मान निकल आएगा। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। आखिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलता पूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वारभाटा, ये इसी के उदाहरण है। मुक्त पतन, मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। 10.2 यानी कि 10.2 एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए या एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाए और तब नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल किसी बल के कारण गिरती हैं तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। जी के मात्रक वही है जो त्वरण के हैं, अर्थात एम प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति के दूसरे नियम में से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुण का गुणनफल है। किसका? बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए कि क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान एम है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुएं में गुरुत्वीय बल का कारण त्वरण लगता है और इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण एफ द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। इस तरह से एफ बराबर एम जी। समीकरण 10.4 और 10.6 से हमें प्राप्त होता है एम जी बराबर, यहाँ एफ का मान रख दिया है, जी एम इंटू एम अपॉन डी, जी बराबर जी एम इंटू डी स्क्वायर, जहाँ एम पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, डी वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी होगी। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या फिर इसकी सतह के पास है। समीकरण 10.7 में दूरी डी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए एम जी बराबर जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम अपॉन आर, यह मान रख दिया है। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? आपने ये भी तो सुना होगा कि ध्रुवों पर जो भी जी का मान यानी कि गुरुत्वीय मान होता है ये बढ़ जाता है और विषुवत रेखा पर ये कम रहता है।
अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर इसके पास जी के मान के को लगभग स्थिर मान रखते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 10.9 में जी एम और आर के मान रखने होंगे। जैसे सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक जी बराबर 6.7 × 10^-11 एन एम स्क्वायर के जी पावर -2। पृथ्वी का द्रव्यमान एम बराबर 6 × 10^24 किलोग्राम है। पृथ्वी की त्रिज्या आर बराबर 6.4 × 10^6 मीटर में। इस तरह से मान रखिए और आप इसे प्राप्त कर लेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ये निकल आया, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, या समझने के लिए क्या सभी वस्तुएं खोखली हैं या ठोस, या फिर बड़ी हैं या छोटी, किसकी ऊंचाई किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी। आइए इस क्रियाकलाप से समझने की कोशिश करते हैं। 10.3 क्रियाकलाप। कागज की एक सीट अथवा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पतली मंजे से एक साथ गिराइए, देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर में से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं का घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। इस प्रकार प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी जाती है, तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या फिर ठोस हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया, क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। एक समान त्वरण गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर मान रहेंगे। देखिए अनुभाग 8.5 ए समीकरण हो गए। देखिए बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू स्क्वायर 2 ए एस। यहाँ यू एवं भी जो है एक प्रारंभिक एवं अंतिम भी है, और जो एस है वस्तु द्वारा टी समय में चली गई दूरी है, ठीक है। ये समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण ए वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हमको इसको धनात्मक लेंगे, और त्वरण ए को ऋणात्मक लेंगे, या गति की दिशा के विपरीत अगर लगता है तो ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। और अगर गति की दिशा के में लग रहा होता तो इसे धनात्मक लेते हैं। ये आपका उदाहरण है, इसे एक उदाहरण देख लेते हैं, बाकी आप देखते रहना। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है, तो परिकलन में सफलता के लिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, 0.5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर थे, तो समय कितना है 0.5 सेकंड, प्रारंभिक वेग क्या है 0.0 एम प्रति सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण क्या है जी बराबर 10 एम प्रति स्क्वायर एस सेकंड स्क्वायर, कार का त्वरण ए बराबर प्लस 10 एम मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अधोमुखी, चाल भी बराबर ए टी। ये आपका सूत्र है, इस तरह से निकालेंगे ये आ जाएगी चाल, औसत चाल इस तरह से निकल आएगी, तय की गई दूरी इस तरह से निकल आएगी, धरती पर टकराते समय उसकी इसकी चाल होगी 5 मीटर प्रति सेकंड, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल हो जाएगी 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और धरती से कगार की ऊंचाई हो जाएगी 1.25 मीटर, ठीक है। इसे भी आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा
उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या फिर चंद्रमा पर हो या फिर किसी बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदलता नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि एक किलोग्राम का ने कुछ भी लिया, कुछ सामान, वो सभी जगह एक ही रहेगा, एक ही किलो रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका मान बदल जाए। भार, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान यानी कि एम पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण जी पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। हमें ज्ञात है कि एफ बराबर एम इंटू ए, अर्थात एफ बराबर एम इंटू जी। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, इसे डब्ल्यू से निर्दिष्ट करते हैं। इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भारत का अगर भार का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन इसका ऐसा ही मात्रक है। भार एक बल जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें इसमें परिमाण एवं तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान एम की समानुपाती होता है, अर्थात डब्ल्यू समानुपाती एम। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी पर या फिर किसी अन्य ग्रह पर हो उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। फिर आपका किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी पर उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा पर उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। आप सभी को बताएं कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान एम तथा चंद्रमा पर इसका भार डब्ल्यू एम है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान एम है, इस एमएम है, इसकी त्रिज्या आर एम है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार इस तरह से डब्ल्यू एम जी एम इन आधार में एम कैप स्मॉल इंटू एम आर स्क्वायर आधार में एम है। मान लीजिए कि उसी वस्तु पर पृथ्वी का भार डब्ल्यू ई है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान एम और इसकी त्रिज्या आर, इसे खगोलीय पिंड हो गए, ये द्रव्यमान किलोग्राम में त्रिज्या हो गई। पृथ्वी की अगर द्रव्यमान की बात करें तो 5.98 × 10^24 होता है, और अगर त्रिज्या की बात करें इसकी तो 6.37 × 10^ आपकी 10^ कितनी होगी 6। अगर चंद्रमा की बात करें तो 7.36 × 10^22 इंटू में, और अगर त्रिज्या की बात करें तो 1.74 × 10^6 होगी। ठीक है, समीकरणों 10.9, 10.15 से हम प्राप्त करेंगे डब्ल्यू ई जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर 10.17, ये आपका समीकरण बन जाता है। समीकरण 10.16 और 10.17 में सारणी 10.1 से उपयुक्त मान रखेंगे हम लोग, इस तरह से ये आपके जो मान है इन्हें रखेंगे हम लोग, तो आप पाएंगे यहाँ इस तरह से डब्ल्यू एम 2 × 431 × 10^10 गुरुत्वीयमान इंटू एम। इस तरह से समीकरण 10.18 को समीकरण 10.18 बी से भाग देने पर हम लोग प्राप्त कर लेंगे 1/6 से वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का पृथ्वी पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 इंटू इसका पृथ्वी पर भार। ये आप इसे एक उदाहरण ले लीजिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, द्रव्यमान का मान कितना है 10 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया जी बराबर 9 इंटू पृथ्वी का गुरुत्वीयमान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से इसे निकाल लेंगे आप, वस्तु का भार कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, आपका प्रतिरोध तथा दाब, अब क्या है प्रतिरोध विरोध तथा दाब। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है। सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक सतत चैन पर क्यों टिका होता है। किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है।
इस प्रकार का उत्तर जानने के लिए हमें इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु एवं विशेष विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल, प्रतिरोध तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल की धारणा से परिचय कराना आवश्यक हुआ। प्रतिरोध तथा दाब कर्व समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। स्थिति एक, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पेनों की आवश्यकता होगी। इस तरह से बात की जा रही है, अपने अंगूठे से दबाना होगा यानी कि नहीं लगाने के लिए। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग की सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षा के छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। यानी कि आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जिस तरफ छितरा रहता है कील उस तरफ ठोकी जाए और जिस तरफ से हथौड़ा उस तरफ से लगाया जाए जिस तरफ से वो पिन की टाइप की यानी कि पैनी होती है। ऐसा नहीं करते हैं ना आप लोग, पैनी पिन को आप लोग जिसमें ठोकना है उस तरफ रखते हैं और जो उसका छितरा हुआ भाग होता है उस पर हम लोग बार करते हैं जिससे आसानी से ठुक जाती है। चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पेनों की को अंगूठे से बोर्ड के लंबवत दबाया जाता है। स्थिति सेकंड, आप शिथिल ढीली रेत पर खड़े होते हैं, आपके पैर रेत में गहरे धस जाते हैं। अब रेत पर आप लेटेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धसता है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। ऐसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रतिरोध कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर के भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक लगता है। आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है यानी कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इससे इस पर फर्क कम पड़ता है, आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक होता है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपयुक्त स्थिति में प्रतिरोध समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है, इसलिए प्रतिरोध का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। रेत पर प्रतिरोध का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक लगता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर प्रतिरोध अपॉन क्षेत्रफल। समीकरण 10.20 में प्रतिरोध तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हम दाब का एसआई मात्रक प्राप्त करेंगे। यह मात्रक एन प्रति एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर या फिर एन मीटर प्रति स्क्वायर होगा। वैज्ञानिक बिलेज पास्कल के सम्मान में दाब की एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रतिरोध के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए 10.6 लेते हैं। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। इसकी विमाएं आपकी 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ठीक है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है, ए 20 × 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, बी आपका 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। इसे आप हल करिए। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान क्या है? 5 किलोग्राम। इसकी विमाएं क्या है? 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यहाँ लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रतिरोध लगता है। प्रतिरोध किस तरह से निकालते हैं? एफ बराबर एम इंटू जी। यहाँ द्रव्यमान हो गया और ये आपका घनत्व हो गया, गुरुत्वीय मान हो गया, ठीक है, बराबर 49। सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई को करके। इस तरह से आप सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। समीकरण 10.20 से दाब निकाल लेंगे इस तरह से। जब गुटके की 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है या मेज की सतह पर पहले जितना ही प्रतिरोध लगता है, क्षेत्रफल 40 × 20 800 सेंटीमीटर बराबर आपका सेंटीमीटर या मीटर में आपका 0.08 हो जाएगा। समीकरण 10.20 से इसे भी आप निकाल लेंगे दाब को, तो 612 × 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सतह 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर है तथा प्रति मीटर स्क्वायर है तथा सतह 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब 612 × 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब और बड़े क्षेत्रफल पर
कम दाब लगता है। यही कारण है कि कीलों के शरीर नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है और भवनों की नींव चौड़ी होती है। समझ रहे हैं आप लोग? अब सोचिए कि नींव बिल्कुल कम बिल्कुल सक्री रख दें और ऊपर जो मकान बनेगा वो चौड़ाई में दीवार उसकी रखिए। ये संभव हो सकता है लेकिन पूरी तरह से संभव नहीं है। कुछ दिनों बाद गिर सकता है आपका मकान, इसलिए आपने देखा होगा नींव बड़ी लंबी चौड़ी खोदी जाती है। तलों में अगर दाब की बात करें लोग, सभी द्रव या गैसें तरल हैं, ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं। इसी प्रकार तलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला बाल बाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित हो जाता है। उत्प्लावकता, क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं? आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भारी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो अधिक भारी लगती है और आपने देखा होगा पानी में आपको कम भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता है? लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा अगर हम लोग तथा स्टील यदि चादर के रूम में ही हो तो क्या वह डूब जाएगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ है समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.4, प्लास्टिक की खाली बोतल लीजिए, बोतल के मुंह की एक वायुरुद्ध डाट से बंद कर दीजिए, इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए, आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए, आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल के ऊपर की दिशा में एक बल लगाती है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह से ना डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए, यह छलक कर सतह पर वापस आती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कारगत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी की क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है, इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। आप ऊपर से नीचे की पानी की ओर लगाते हैं और बोतल नीचे पानी की ओर, लेकिन जो पानी है ये बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। यह बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल उसके भार से अधिक हो जाता है, इसलिए छोड़ने पर वह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले बाहरी एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल और बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। कौन? बोतल पर पानी के द्वारा जो पानी होता है नीचे से, इसके द्वारा जो ऊपर बल लगाया जाता है इसे ही आप लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। वास्तव में किसी तरल में डूबने पर सभी वस्तुओं में एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल घनत्व पर निर्भर करता है। आपका पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या फिर डूबती क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। 10.5, पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए, इसे पानी की सतह पर रखिए, देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन से बल से अधिक होता है, इसलिए यह डूब जाती है। सीधा सा मतलब है कि आप एक डोरी को यानी कि एक रस्सी को लीजिए, एक तरफ आप पकड़ सकते हैं, एक तरफ दूसरा आपका मित्र। अब आपकी जो जितना ताकत से अपना बल लगाएगा उसी की तरफ जिसमें ज्यादा शक्ति होगी, जिसमें ज्यादा बल लगेगा उसी तरफ वो रस्सी खींचेगी, समझ रहे हैं, और वो मित्र भी साथ खिंचा चलाएगा। तो यही हाल इसका है। इस तरह से आप देख रहे हैं पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है।
तथा कौर तैरता है, यही कारण है। क्रियाकलाप 10.6, पानी से भरा बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव का एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए, इन्हें पानी की सतह पर रखिए, देखिए क्या होता है। कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ऐसा उनकी घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का फलावन बल कॉर्क के बाहर से अधिक है, इसलिए यह तैरता रहता है। अगर लोहे की कील के घनत्व की बात करें तो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरने लगती हैं, और द्रव के घनत्व से जो अधिक घनत्व की वस्तुएं होती हैं वे डूब जाती हैं। ये आपके क्वेश्चन हैं, देखते रहिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्रियाकलाप 10.7, एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, इसे कमानीदार तुला या फिर रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांधिए, तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 16.6 में इस तरह से दिखाया गया। पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे बाहर पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 10.6 में दिखाया गया है। परीक्षण कीजिए डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन होता है। इस तरह से हवा में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबड़ की डोरी में प्रसार का परीक्षण कीजिए, पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी से नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। यह तदापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला बल नेट बल से कम होता है, और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 10.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के कारण डोरी के प्रसार में और कमी नहीं हुई है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुपयोग हैं। यह जलयानों पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी दूध जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अब आप आर्किमिडीज के बारे में जान लीजिए। ये आपके एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की थी, उन्हीं के नाम से विख्यात यह सिद्धांत हुआ। और यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घूमने पर पानी बाहर बहने लगता है, वे सड़कों पर यूरेका चिल्लाती हुई भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके आंतरिक तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलन घेरनी तथा पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान से ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता भी मिली थी आर्किमिडीज के कारण। अब बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। हम लोग घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। क्या है? प्रति घन मीटर है। इसका सूत्र इस तरह से प्रति के रूप में। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व जिसका उसका एक लाक्षणिक गुण होता है या भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम मीटर घनत्व में है, ठीक है, जबकि पानी का घनत्व की बात करें तो 1000
किलोग्राम प्रति घन मीटर में किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता करता है। प्रयाग किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व के का अनुपात है, अर्थात अपेक्षित घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। चूंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और इसे उदाहरण द्वारा देख सकते हैं, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम प्रति मीटर प्रति घन मीटर है। ऐसा ही मात्रक चांदी का घनत्व क्या हुआ, चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या है 10.8। अपेक्षित घनत्व को चांदी का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, चांदी का घनत्व चांदी का अपेक्षित घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, इस तरह से निकाल सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि आपने इस अध्याय में क्या पढ़ा है, इतना सब आप पढ़ते रहे 40 से 45 मिनट, आखिर पढ़ा क्या है इसमें, तो देखते हैं उन्हें भी हम लोग। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कभी भी हो, कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है, जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड समृद्ध ना हो। इसमें गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर तल से ऊंचाई पर बढ़ने पर कम होता है या पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित होता है। इनका मान ध्रुवों से पृष्ठपथ की ओर घटता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वीय बल। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल यानी कि नीचे से जो बल लगेगा उसी की बात कर रहा हूं, अनुभव होता है। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वह भी डूब जाती हैं। ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं और याद रखिए पीडीएफ आपकी डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, वहां से आप लोग रख लीजिए अपने पास और जब टाइम मिले तो एक दो बार उससे भी आप लोग पढ़ते रहिए। एक से दो बार आप बुक्स पढ़िए बस, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ते रहिए, आपका हो जाएगा आराम से। चलिए तो ये था 10वां चैप्टर। अब बात करेंगे विज्ञान का, हम लोग कक्षा 9वीं की विज्ञान का 11वां चैप्टर, उसमें बात करेंगे कार्य तथा ऊर्जा के बारे में जानेंगे।